हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त तसव्वुर खान और देख रहे हैं हमारा ब्लॉग। दोस्तों, जैसे कि मैं डेली वीडियो आप लोगों के बीच में एक एक दिन गैप कर करके वीडियो जो मैं बनाता था और ब्लॉग अपना जो डाउनलोड करता था मैं डालता था, तो इसमें क्या होता था कि मैं दो आदमी तीन आदमी जो मिल जाते थे तो हमारा जो बन जाता था ब्लॉग। अभी वो लोग है नहीं तो हमारा ब्लॉग अभी वीडियो डाल नहीं पा रहे हैं हम, इसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहते हैं और इसलिए मेरी वीडियो नहीं पड़ रही है, मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो में शूट नहीं कर पा रहा हूँ। अकेले में कोई भी डायलॉग या कोई एक्शन का वीडियो बनाते हैं तो अकेले वीडियो बन नहीं सकती, दो आदमी या तीन आदमी ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक ही लोकेशन है हमारे कमरे का, वही लोकेशन में वीडियो बनाता हूँ और कोई है भी नहीं, अब मैं अकेला हूँ। इसलिए आज 5-6 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, शूट भी नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो आप लोग तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ दोस्तों। तो आज मैं एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ, बहुत प्यारी स्टोरी है क्योंकि मैं अकेला हूँ तो स्टोरी ही बना सकता हूँ ना दोस्त। तो दोस्तों, आप लोग का प्यार चाहिए। आप अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार देते रहिए। जैसे आप लोग बहुत भी सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, और ऐसे ही हमारा हमको भी सपोर्ट करिए, आप लोग अपना प्यार दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे एक बाप का फर्ज बनता है कि अपना बाल बच्चे को जवान करके अपना खिलाए पिलाए, अच्छे से पहनाए, अच्छी तरबियत दे और उनको अच्छी नौकरी पे लगाए। लेकिन बाप का ये भी फर्ज बनता है कि वो सब कुछ तो कर देता है बच्चे के लिए। कुछ ऐसे बाप भी होते हैं कि जो अपने औलाद को परेशानी में देखते हुए उनको मज़ा आता है। तो दोस्तों, एक औलाद, मैं आज उसकी कहानी बता रहा हूँ। एक बाप है और एक लड़का, जो कि अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपने बाप की हर जिद को पूरी करने के लिए, वो अपने अपने आप को, अपने शरीर को कुछ भी नहीं समझता था कि मैं क्या हूँ। बहुत गजब स्टोरी है दोस्तों, अगर सुनेंगे तो आपके दिल में, अपने आपके आँख में आंसू आ जाएगा और आपका दिल दहल जाएगा। वो लड़का एक बच्चे का बाप था। उसका बाप उसको जो भी मांगता वो ला के देता था उसको। एक दिन क्या हुआ, अचानक से उसके बच्चे की तबीयत खराब हुई। तो वो नौकरी करता था, जॉब करता था, वो अचानक से तबीयत खराब हुई। उस लड़के को वो अपने अस्पताल लेके गया, डॉक्टर ने कहा उसको कि देखिए, आपके बच्चे के दिल में सुराख है और आप जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज करा लीजिए आप। उस लड़के ने कहा डॉक्टर साहब कितना पैसा खर्चा होगा, तो उसने बताया कम से कम 25-30 हज़ार रुपये खर्चा होगा। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, जो मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ, पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो मैं अपने बच्चे को ऑपरेशन करा लूँगा। तो घर पे आया तो लड़के के स्कूल भेजा, उसकी अचानक फिर तबीयत गड़बड़ हो गई। स्कूल के टीचर और मास्टर लेके आए उसको यहाँ छोड़ने के लिए, तो उसको बोलने लगे कि क्या मैं अपने बच्चे का कोई परवाह नहीं है आप लोग को। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, थोड़ा परेशान हूं इसलिए मैं बच्चे का परवाह नहीं कर पा रहा हूं। तो उसने क्या, बीवी ने उसकी वाइफ ने बोला कि आप बच्चे को पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके और बच्चे के जितनी जल्दी हो सके अपना इलाज, उसका ऑपरेशन करवा दिया जाए। तो तैयारी बनाया उसने, 200 रुपये अपने पास रखा था, 200 रुपये अपने पास रख के वो ड्यूटी करने जा रहा था। तो उसकी वाइफ टिफिन खाना लेके आई और उसको देने लगी, तो बाप उसको उठ के आया, बोला बेटा, कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर ये बगैर मर्ज के बोलता है कि आपको मर्ज है, उसको जब वो बोले आप इलाज कराओ तो मत कराओ, अगर बोले ना कराओ तब करा लो। उसके बाप ने उसको, उस लड़के को, अपने लड़के को ऐसा बोला। तो लड़का बड़े टेंशन में हो गया था, बोला ऐसा है, ऐसा कुछ मत करो, उसको कुछ नहीं होगा, उसको कुछ भी नहीं होगा, उसका बाप अपने पोते को बोला है उसका कुछ भी नहीं होगा। तो बोला तुम ड्यूटी पे जाओ। जब ड्यूटी पे जाने लगा तो बोला बेटा रुक जाओ, बोला बेटा मंदिर में कुछ लोग जो है चंदा वंदा अपना थोड़ा मरम्मत कराना था मंदिर में, तो सब लोग अपना अपना कुछ हैसियत के हिसाब से कुछ दे रहे थे, तो बेटा अगर आप बोलते तो थोड़ा हम भी कुछ कर देते। तो उसने कहा बाबूजी कितना पैसा चाहिए।
तो बोला कि ये 201 रुपये चाहिए। बाप ने बोला 201 रुपये चाहिए, क्योंकि उसके पास 200 रुपये ही था, तो उसने बोला कि 201 रुपये चाहिए। वो बेटा अपने बाप अपने बच्चे को मरते हुए, अपने बच्चे को बीमार रहते हुए देख सकता था, लेकिन अपने बाप की बात नहीं काट सकता था। अपने बाप को इतना प्यार करता था, अपने बाप को इतना मानता था कि अपने बाप की बात नहीं काट सकता था। उसने कहा ठीक है बाबूजी, लीजिए 200 रुपये। जब 200 रुपये दिए तो उसका दूसरा बेटा जो उसका भाई है वो पैसे उठा लिया, हाथ से छीन लिया पैसा, बोला ये पैसा मैं नहीं देने दूंगा। बोला क्यों नहीं देने का, दे बाबू बाबूजी को पैसा। तो उसने कहा कि भैया आप गलत कर रहे हो, आप अपने बच्चे को मार रहे हो, अपने बच्चे को खुद मार रहे हो। आप कौन से धर्म में कौन से मजाब में लिखा है कि घर में फाका पड़े, घर में मजबूरी है, परेशानी है, इतने इतने पुरानी खर्चा है, और घर में एक पैसे के भूखे मर रहे हैं लोग, और कौन से इसमें धर्म में लिखा है कि आप चंदा दे के हाथ बटाओ और उसका मरम्मत करवाओ। पहले अपना घर देखना चाहिए, अपना पहले मंदिर में या आप किसी के उसमें वो करना चाहिए, मैं ये पैसा नहीं दूंगा। तो उसने कहा ये पैसा मेरा है, बाबूजी को, मैं बाबूजी की बात नहीं कर सकता। दे दिया पैसा, कहा तुम्हारा लड़का है, तुम्हारा पैसा है, कुछ भी वो दे दिया पैसा। यहाँ से वो क्या किया, वो गया वहाँ पे जहाँ जॉब करता था, वहाँ मालिक से बोला सर मुझे पैसा चाहिए, एडवांस चाहिए हमको, और मैं डबल मेहनत करूँगा। वो पैसा मालिक ने पूछा उसे कि इतना पैसा लेके आप करते क्या हो। अरे तुम्हारी शरीर है, तुम्हारी शरीर एक इसको भी एक यो इसको भी रेस्ट करने का ज़रूरत होती है, इसकी एक लिमिट होती है, और आप पैसा इतना ले लेके करते क्या हो। और पैसा ले लेते हो उसके बाद आप पार्ट टाइम ओवर टाइम करते हो, 16 16 घंटा ड्यूटी करते हो, आप इस तरह से क्या करोगे, आप मर जाओगे। तो उसने कहा मैं अपने बाबूजी की खुशी के लिए ये अपनी ज़िंदगी तक मैं कुर्बान कर सकता हूँ, मैं अपनी बाबूजी की खुशी पूरी करने के लिए, हर शौक पूरी करने के लिए मैं 16 घंटा क्या, मैं 20 घंटा 24 घंटा में ड्यूटी कर सकता हूँ। कहा आपकी मर्जी। लेके गया और उस जो मशीन पे चला, तो उसने क्या किया, मशीन पे चलाते 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 उसको मशीन मशीन में नींद आ गया उसको। चलो ठीक है, वहाँ से किसी तरह से बच के उस सीढ़ी पर से ऊपर से बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था, एक जगह तो बच गया, दूसरी जगह से बिल्डिंग से गिर गया, वो बच्चा मर गया। वो आज लड़का मर गया, अपने बाप की शौक, अपने माँ की शौक पूरी करते करते, अपने घर वालों को शौक पूरी करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, और अंत में वो मर गया। अब बताइए, जब वो मर गया तो उसका बाप बेतहाशा रोते हुए आया, तो उसका लड़का भाई दूसरा वाला लड़का बोलता है आप इसके जिम्मेदार आप हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं, इस लड़की के जिम्मेदार आप, अपने बेटे के जिम्मेदार, मौत के जिम्मेदार खुद आप हैं। ऐसा बाप घर में कोई कमाने वाला एक है, तो कहते हैं कमाही अगर 10 है तो दोस्तों 5 ही खर्चा करो, 10 5 बचा के रखो। अगर कमाही 5 है तो उसमें 2 खर्चा करो, 3 बचा के रखो। अगर नहीं बचाओगे तो कमाने वाला इंसान मर जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहरबानी होगी दोस्तों। मैं अकेला हूँ, जिस तरह से हमको बनाना आता है मैं स्टोरी आपके पास बना के पेश कर रहा हूँ। दोस्तों अपना एक लाइक और कमेंट करके बताइए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।